Tocando sua xereca, cadu, 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 cadu. Morning guys, सुबह चार बजे बोला था कहीं मत मुझे गाने को, साढ़े छः बजे गए हमें, साढ़े छः अभी सात बज रहे, नाश्ता वगैरह करके बस सामान पैक कर रहे, सामान पैक चल रहे, फिर अभी ये की तरफ बाइक स्टार्ट करेंगे। सबर करो, साढ़े छः नहीं हो रहा है भाई, अभी साढ़े छः हो रहा है। जगाया क्यों नहीं चार बजे? देखो जगाया कितने बजे? पच्चीस जगाया कितने बजे? चार बीस तो बस ये हुआ, लेट हो गए थोड़ा सा, सो पाँच बजे निकलना चाहिए था हमें, बस अब निकलेंगे। सात बजे के निकले और अभी जो है आठ बज रहे हैं और ये चलते हुए जा रहे हैं। यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि काफ़ी दूर है, मतलब बैग पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन हमने जो है सुबह जाना है अभी और शाम को वापस आना है, ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। और रास्ते में मैं जा रहा था तो मुझे एक आतिपुल्ला भी मिला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देख आतिप ले संचा खोले, इसको असल घर में खाना नहीं देता है ना, नाराज़ हो गया। संचा खोले पीछे मंगोल, चलो आ जाओ आतिपुल्ला, आ जाओ। थेत के लोगों के बारे में काफ़ी स्टोरियाँ सुनी थी हमने, गिलगित में और गाकुच में और गुपिस में आते हुए लोगों ने हमें बताया था कि अगर स्टे ना करें, अगर जा भी रहे हैं तो बथेरेस के बाहर कहीं निकल के स्टे करें, लेकिन ज़िद की हमने, ज़िद करके हम बैठे इधर बथेरेस में, नीचे स्टे किया कल, आज अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके फिर वापस नीचे जा रहे हैं। और देखा पीछे पीछे हमारी कितनी मेहमान नवाजी की है, कितने अच्छे लोग हैं, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं, जाहिर सी बात है। अब सीन ये है कि हमारे साथ आ रहे हैं लड़कों को हमारे साथ भेज के हमारे जो सामान है, बैग वगैरह, वो हम हमारे लेके हमारे साथ आगे आ रहे हैं। हमने मना किया था जाहिर सी बात है, लेकिन फिर साथ आज़िद किया, साथ आ रहे हैं, तो बस साथ आगे तक आ रहे हैं, आगे से वापस करेंगे इनको। तो ये सीन है,
अपडेट सो फार। जगह बड़ी खूबसूरत है, पामीर वाली वाइब्स आ रही है पीछे, और बड़ी यूनिक जगह है। यहाँ से कोई तकरीबन 5-6 हाई पासेज लगती हैं। इस नाले से, पीछे वाले नाले से अंदर जाएंगे, वो जाएगा गुप्पिस। इस नाले से अंदर जाएंगे रास्ता जाएगा सिंगल, आगे से लेफ्ट होंगे जाएगा करगा नाला, सीधा जाएंगे जाएगा तंगीर, और यहाँ से राइट होंगे जाएंगे दरल। तो बड़ी ख़ास यूनिक जगह है और बड़ी प्यारी है, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी प्यारी जगह होगी। शाउट आउट टू शेर अली फोटोग्राफी फॉर एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस एंड शोइंग इट टू द वर्ल्ड। यहाँ से तकरीबन 4-4.5 घंटे का रास्ता आगे रहता है मजर सागर लेक तक, और वहाँ पे जहाँ के लोग बता रहे थे कि अच्छी खासी बड़ी मछलियाँ होती हैं, जो कि हमारे किस्मत में नहीं है। हम ट्राई किया, कल हमने पूरा दिन ट्राई किया और हमें नहीं मिला कुछ, तो शायद हंटिंग हमारे नसीब में नहीं है। वो फिशिंग के शौकीन है। दिस इज़ द प्लेस फॉर यू, दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। ऊपर झील पे बता रहे थे लोग, यहाँ के नॉर्मल जो फिशिंग रोड्स होते हैं वो काम नहीं करते क्योंकि मछलियाँ बहुत बड़ी होती हैं और वो टूट जाते हैं। तो माय फिशिंग बॉयज, दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। क्रैम्प्स और रास्ते में ज़्यादा रुकने की वजह से 3:30 हो गए, बस हिसाब लगाएं कितना घंटा होता है। और वी आर हेयर, आई हैवंट वॉश्ड येट। इट्स ऑल वर्थ इट, मेबी। तकरीबन घंटा तैयार हो गया, सब सो रहे हैं, कोई नहीं उठा। ये देखें, ये इधर सो रहा है, ये इधर सो रहा है, दो लड़के उधर ऊपर सो रहे हैं। बाकी मैं व्यू एंजॉय कर रहा हूँ सर। ये रहा, फ़ायदा क्या है सोने का, फ़ायदा सुबह निकले हैं 7 बजे, अभी बज रहे हैं 4, क्या 8 घंटे का जो है ट्रेक किया है करने के बाद फिर इधर आके सोना। वापस हाइक जो है स्टार्ट किए यहाँ से, तकरीबन अभी शाम के कोई 7 बज रहे हैं, तो हमने चलना है तकरीबन 6-7 घंटे। सुबह हमने कोई 7 बजे हाइक स्टार्ट किया था और 3:30 बजे हम लोग लेक पे पहुँचे थे, और उस मुताबिक हमारा जो है तकरीबन 7-8 घंटे हमें ऊपर लगे थे आने में। लेकिन वापसी अभी नीचे जो है हमारा प्लान है कि 4-5 घंटों में हम जो है वापस नीचे अपने कैंप साइट पे पहुंच जाएं, तो देखते हैं बाकी क्या होता है। तो हमारा जो व्लॉग है बथरेड का, व्लॉग 2, वो यहाँ पे एंड होता है। गुड बाय गाइस, सी यू सून, पीस आउट।
स्टार्ट हो तो मैं ही चक दूसरी।